अथवा ये कहूँ ओम आनंद या कहूँ सच्चिदानंद सच्चित आनंद या ये कहूँ परम आनंद। आज के दिन सतगुरु पूर्णिमा कहें, गुरु पूर्णिमा कहें, ऐसे दिन की आप सबको बधाई हो। ये सौभाग्यशाली दिन है, क्यों कि गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मैं सत्य ज्ञान देने वाला परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हूँ, ज्ञान का सूर्य हूँ। और गुरु पूर्णिमा यानी संपूर्ण अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले सतगुरु, मार्ग दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले। और पूर्णमासी का मतलब ही है कि संपूर्ण रीति से हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले। और गरुड़ों में, पुराणों में महिमा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, साक्षात परम गुरु परम ब्रह्म परमेश्वरम तस्मै सर्वगुरु नमः करते हैं, उनको ही सर्वगुरु नमन करते हैं, जिनको जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सतगुरु हैं। शिव पुराण में एक वार्ता आती है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की आपस में वार्ता चली, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुर एव महेश्वर, अज्ञान को मिटाने वाले ब्रह्मा जी, अज्ञान को मिटाने वाले विष्णु जी, अज्ञान को मिटाने वाले महेश जी। तो इन तीनों में से का मैं बड़ा कौन? तो ब्रह्मा जी के सिर से एक ज्योति निकली, उन्होंने कहा तुम तीनों को रचता मैं हूँ। और वो ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, रचता है। और गीता जी में भगवान ने कहा कि सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है और मैं इसका बीज रूप हूँ, इसलिए बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, सतगुरु हैं, सदगति दाता है। इंग्लिश में ये कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि सतगुरु सत्य ज्ञान देकर के गति, सदगति का मार्ग दिखाते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। भटकते हुए मनुष्य को, अज्ञान अंधकार में भटकते हुए को सही रास्ता बता करके जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, कर्म श्रेष्ठ करवाते हैं। और कर्म श्रेष्ठ कराने का मतलब पुराने अधर्म को, विकर्म को नष्ट करते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, कीटाणु मर जाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे गॉड, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वरा, पर पार वतन में रहने वाले, पार ब्रह्म में रहने वाले परम ईश्वर, परमेश्वर इंग्लिश में कहेंगे गॉड। गॉड मीन्स GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डायरेक्टर और द डिस्ट्रॉयर of ignorance and director of elevated actions। शिव जी की पिंडी पर सतगुरु, गुरुओं के गुरु, सत्य ज्ञान देने वाले, अखंड ज्योति में है तत्व, पार ब्रह्म, आकाश चांद सितारों के पार भी ब्रह्मलोक में रहने वाले। बृहस्पति का दिन हम आत्माओं को संपूर्ण बनाता है। तो आज के दिन विशेष करके गुरु पूजा के हिसाब से अनेक प्रकार का भोग लगाएंगे, श्रद्धा भावना से व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे। क्या मतलब है? इन श्रेष्ठ कर्म की विधि परमात्मा ने सतगुरु के रूप में बताई। तो ऐसे सुंदर दिन पर हम आत्माएं जैसे पूर्णिमा चंद्रमा की धक्का लाए, अंधकार से अंधकार को प्रकाशित करने वाले का नाम सतगुरु है। अंधकार को मिटा के संपूर्ण प्रकाश लाने वाले, इसलिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा भी करते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, नर से नारायण बनने का ज्ञान, राजाओं का राजा बनने का ज्ञान, गति सदगति का ज्ञान, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान देकर के सतगुरु परमात्मा द्वार खोलते हैं आत्माओं का, को मुक्ति धाम में जाने का, सुख धाम में जाने का, अथवा ये कहें कि गुरु की शिक्षा को पालन करने से हमारे बंधन कटते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। किस चीज़ के बंधन कटते हैं? यानी आत्मा जो बंधी हुई है इन 5 तत्वों के पिंजरे में, तन के बंधन में, मन के व्यर्थ चिंतन के बंधन में, धन के अहम के बंधन में, अथवा व्यर्थ रीति से धन को यूज करने के बंधन में, जिसमें कहेंगे कि धन को सत्यता से, महत्व से यूज नहीं किया, परंतु उल्टे कर्म में यूज किया, तो ये कर्म का बंधन बन जाता है, धन माया बन जाता है, बंधन बन जाता है। या अहंकारवश दुख भी देता है, बंधन बांधता है। तो धन संपत्ति दुख भी देती है, जब वो माया बन जाती है। सुख देती है धन की संपत्ति, और जब माया बन जाती है तो बंधन बन जाती है, दुख बन जाती है। तो तन मन धन जन संबंध प्रकृति कर्म, इन सब प्रकार के बंधनों से छुटा के, अंधकार से मिटा के, छुड़ा के, जैसे चंद्रमा धीरे धीरे कलाएं बढ़ती जाती हैं, प्रकाश बढ़ता जाता है चंद्रमा की रोशनी। तो संपूर्णता का मतलब पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा, अज्ञान कंप्लीट अंधकार विनाश हो गया और संपूर्णता को प्राप्त हुई है। तो संपूर्ण का मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो देवों के देव, गुरुओं के गुरु सतगुरु का दिन हम आत्माओं को ये शिक्षा दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हमको अभी अंधकार में भटकना नहीं है, अपनी तार बुद्धि की परमात्मा के साथ जुटानी है, ताकि हम आत्माएं जीवन मुक्त पद के अधिकारी बने। और जीवन पद मुक्त के अधिकारी वास्तव में देखा जाए तो विष्णु जी अथवा सत्यनारायण जी तो सतयुग के देव पद के अधिकारी बने। और उसके लिए परमात्मा स्कूल अथवा गुरुकुल खोलते हैं, शिक्षक बनते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षक को भी कहते हैं। तो परमात्मा सतगुरु स्वयं शिक्षक बनते हैं सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर। तो आज तक भी यह रस्म रिवाज है कि गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। तो सतगुरु का मतलब सदगति, सद्बुद्धि देने वाले, श्रीमत देने वाले। सतगुरु हमको श्रीमत देकर मन मत से मुक्त करते हैं, परमत से मुक्त करते हैं, भटकने से मुक्त करते हैं। इसीलिए सतगुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है? उनकी शिक्षाओं को पालन करना। तो परमपिता परमात्मा हमको बता रहे हैं सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान से आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति पथ के अधिकारी बनती हैं। ओम शांति।